चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे कच्चे आम यानी कि कैरी से बहुत ही टेस्टी लाजवाब सी रेसिपी। गर्मी में कच्ची कैरी आना शुरू हो जाती है और इसे हम अलग अलग तरह की रेसिपी बनाते रहते हैं और ये रेसिपी मेरे बच्चे की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। मैं इस रेसिपी को अधिकतर बनाती ही रहती हूँ और मेरे बच्चे क्या सबके बच्चे इस रेसिपी को जरूर पसंद करती है, क्योंकि रेसिपी बनती इतनी टेस्टी है, लगती इतनी टेस्टी है, बच्चे एक रोटी की बजाय चार रोटी खा जाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कैरी का छिलका उतार लेना है और इसके बीच में से बीज निकाल लेना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर हमें पैन में ऑयल गर्म कर लेना है और इसमें मसाले डाल लेने हैं। सारे मसालों को हमें इसमें अच्छी तरह से पका लेना है। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल लेंगे और कैरी डाल लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग हमें इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल लेना है। अब हमें इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। इसे ढक देना है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। हल्का सा हम इसे मैश कर लेना है जिससे कि इसकी ग्रेवी अच्छी बने। थोड़ा सा इसमें डाल लेना है गुड़ और थोड़ी सी चीनी। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डाल लेना है और फिर से इसे ढककर थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें डाल लेना थोड़ा गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया। और इस तरीके से हमारी कच्ची कैरी से बनी बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर रेडी है। तो जल्दी